जिंदगी में आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, दोस्तों के साथ घूमने का, डिनर पे जाने का, गप्पे मारने का, इन सब कामों के लिए बहुत वक्त होता है। बट अगर वक्त नहीं होता तो वो अपने पर काम करने का वक्त नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान और एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अच्छा, आज जो मैं बात करूंगा सेक्रीफाइस की, कि जिंदगी में आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको सेक्रीफाइस करना होता है। मैंने एक चीज़ बहुत देखी है कि लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हूँ। हालांकि देखा जाए तो लोगों के पास वक्त ही वक्त होता है। वो किस तरह, जैसे मैंने नोट किया कि लोगों के पास नेटफ्लिक्स देखने का टाइम है, क्रिकेट मैच देखने का टाइम है, फुटबॉल मैच देखने का टाइम होता है, दोस्तों के साथ घूमने का, डिनर पे जाने का, गप्पे मारने का, इन सब कामों के लिए बहुत वक्त होता है। बट अगर वक्त नहीं होता तो वो अपने पर काम करने का वक्त नहीं होता। आज भी वैसे ही हैं, आज भी वही हैं जो कि आज से 5 साल पहले काम कर रहे हैं। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपनी ग्रोथ के लिए वर्किंग करना होती है, अपने ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत होती है, तो हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों के अंदर, इन सब कामों के अंदर। तो सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस करनी होती है अपनी ये सारी ख्वाहिशात, ये सब चीज़ें, जिन चीज़ों के अंदर हम अपना टाइम सबसे ज़्यादा ज़ाया कर रहे होते हैं, यानी कि टीवी देखने पर, मैच देखने पे, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बेतहा वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं और हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे होते। और जब हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो हम डेफिनेटली हम आगे भी उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझाऊंगा कि आप अगर एक 20,000 रुपये का मोबाइल भी खरीदते हैं ना, तो वो 6 महीने बाद आपको कहता है कि अपग्रेड ना सॉफ्टवेयर। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसको उस टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। तो हमें ये देखना होता है कि क्या हम अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जॉब के लिए जो हम काम कर रहे हैं, हम उसके अंदर अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं, हम आगे से आगे नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी ऑब्वियसली आपकी अर्निंग भी उस हिसाब से बढ़ेगी। तो इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस करना होता है और आपको सेक्रीफाइस करना होता है इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें आपको मज़ा दे रही होती हैं। सीज़न जिस दिन आता है उसी दिन रात हम कहते हैं कि सीज़न कम्प्लीट देखना होता है, जबकि सीज़न पे नहीं, हमें अपने पर काम करना होता है, हमें उस टाइम को बचाकर अपनी लर्निंग पर फोकस करना होता है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें। और एक बात आपको याद रखनी होगी कि कामयाबी हमेशा उन्हीं कामों को करने से होती है जिनको करने का दिल नहीं चाहता, जिन कामों में मज़ा नहीं आता, उन्हीं कामों को करने में जो है वो आपको कामयाबी मिलती है। जैसा मैं मिसाल दूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सीज़न लगाना है तो आप रात भर बैठ के देखेंगे, लेकिन जहाँ आपसे कहूँ कि कोई ऐसी बुक पढ़ लें जिस बुक से आपको कुछ लर्निंग हो, तो आप जैसे ही उसके 2 पेज पढ़ेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो मेरे दोस्त, सेक्रीफाइस करना होगा उन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, जो चीज़ें आपका टाइम खा रही हैं, ये दीमक की तरह आपके दिमाग को, आपके वक्त को खा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो बहुत सेक्रीफाइस करें उन चीज़ों के ऊपर और अपनी लर्निंग बढ़ाएं, ताकि हम आगे आगे मूव ऑन कर सकें और आगे फॉरवर्ड आगे बढ़ सकें। थैंक यू।